ऊपर गाड़ी रोक देता हूँ। अब ये सीन देखो और जस्ट इंजॉय करो वीडियो को। कसम से यार कितना डैमेज दिया सबको, बहुत डैमेज दिया, बहुत डैमेज दिया ब्रो। तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार नया सीजन लग चुका है और आपको पता है पूरी दुनिया जो है अब रैंक पुश करने के चक्कर में लग चुकी है, तो यहाँ पे जो लौंडे मिलेंगे ना वो भी सब ऐसे मिलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग है। देखो हमको जस्ट इतना ही आता है कि भाई उतरना है और सामने वाले को मारना है, उसके लिए भले ही हम मर जाएँ। अब देखो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी, यहाँ पर एक शॉटगन मिली मेरे को, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है इतनी जल्दी नहीं मरना। देखो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं उतरता हूँ और जो गन मुझे मिलती है मैं उसके साथ रश कर देता हूँ, दैट्स व्हाई मैं बहुत टाइम मारा जाता हूँ। बट इससे देखो आप ही की स्किल्स बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने कोशिश करी मेरे को गन मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिली तो फिर मेरे से अब वेट नहीं होगा भाई, अब ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखो कैसे भरेंगे फिर शॉटगन से। अब देखो यार दो घर लूट लिए थे, अब इससे ज़्यादा लूट तो भाई मेरे से नहीं होगी। अब मुझे क्योंकि बंदे दिख चुके थे उसके बाद रुकना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बस मुझे बंदे दिख गए उसके बाद मेरे पास चाहे कोई भी गन हो, सिर्फ एक गन होनी चाहिए पिस्टल को छोड़ के, फिर मैं रश कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पे हुआ। इसको मैंने भर दिया। अब फिलहाल जो है मैं समझ गया था उसको बचाने के लिए उसका एक टीममेट आएगा आखिरी वाले कमरे में, तो मैं ऐसे पहले से ही पीक लेके रख रहता हूँ और जैसे वो आएगा धड़ल्ले से मार दूंगा उसको। उसको एक बड़ी कैसे बच गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको एक बड़ी। अब फिलहाल मैंने सोचा यार दोबारा आएगा वो, लेकिन दोबारा तो वो आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब देखो रश करते हैं। और ये वाला क्या ही शॉट पड़ा यार, मतलब लाइक का बटन दबना चाहिए इस वाले शॉट के लिए। दोनों ले गया क्या? और इसी के साथ इस टीम के तीन बंदे खेल दिए मैंने शॉटगन से। ये आखिरी वाला तो नॉक नहीं हुआ था, बट जो भी हो किल मिल गया मेरे को तीन बंदों के। अब यहाँ पे फिलहाल एक और टीम थी, और ये वाले मैच में देखना कोचिंग के में कितनी सारी टीमें आ रखी होती है, मतलब यहाँ से जाने से पहले 24 से ज़्यादा किल तो हम लोग करके जाएंगे कोचिंग के अंदर से, और बैक टू बैक गाड़ियों पर गाड़ी आएंगी कोचिंग की में बहुत सारी। आई डोंट नो व्हाई, आपको गेस करना है कि क्यों पोचिंग के में इतने सारे बंदे आ रहे थे, वो भी बैक टू बैक। देखो फिलहाल तो पोचिंग के में जो पहले से उतरे थे दो टीमें तो उतरी थी जो दिखी हमको, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी टीमें उतरी थी जो दिखी नहीं। अब फारूक चला गया लेफ्ट में, मैं आ गया इधर राइट में। मर जा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आया तो सुनो, गोलियां नहीं है ब्रो मेरे पास तो। सामने वाले घर में मुझे दो से तीन फुटस्टेप सुनाई दिए, ठीक है। अब वहाँ पे दो से तीन बंदे थे, मेरे पास कोई नेट वेट भी नहीं था, मैंने चेक किया नेट नहीं है, मौली है तो मौली से कुछ ज़्यादा होगा नहीं, थोड़े डैमेज होंगे फिर बच जाएंगे वो, तो फ़ायदा नहीं है। इसको इंटेंस सिचुएशन के लिए बचा के रखूँगा। फिलहाल पीछे से कुछ फुटस्टेप आते तो सबसे पहले मार देते हैं, ओब्वियसली वो लोग शायद बॉट्स हैं, बट ऐसा नहीं हुआ तो मैं मारा जा सकता हूँ। चलो ये बॉट था, बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि थोड़ा लूट भी चाहिए थी मेरे को, लूट की कमी भी थी मेरे पे। बॉट ही है और फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो शॉटगन को यार चेंज कर लेते हैं। देखो शॉटगन ने बहुत साथ दिया, तीन किल तो इसी से लिए, बट इतनी भी अच्छी नहीं कि इसको आप इतने एंड टाइम के लिए बचा के रखो। अब देखो यहाँ पे मैच में ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ से बचना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे मैंने फारूक को कॉल दे दी कि पीछे को कूद, मैं कवर दूंगा और पीछे को भाग ले। अब वो आके कवर इसके पीछे बैठ गया, बट यहाँ पर बहुत सारी टीमें थी, एक तो सामने थी और एक बिल्कुल फारूक के पीछे थी। अब देखो जो पीछे वाली टीम थी बिल्कुल फारूक के, उसने उसको नॉक कर दिया, और अब आपको गेस करना है यहीं पर वीडियो पॉज करके बच पाएगा कि नहीं। ये खैर बच तो वैसे जाता ही है यहाँ पे, क्योंकि सरक सरक के आ गया था। देखो ये जब नॉक हुआ तो ये नीचे को चला गया, और ब्रोकन वॉल थी तो सामने वाले मार नहीं पाए, और पीछे से भी उसको कवर मिल गया। अब फिलहाल मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम दो टीमें हैं, हम उन दोनों के बीच में हैं, तो हम साइड से हट के पीछे चले जाएंगे, लेकिन इतने में गाड़ी आती है यहाँ पे, और गाड़ी पूरे चार बंदों की थी जिसमें से एक नॉक मैंने किया। लेकिन अब यहाँ पे टीमें देखना, ठीक है, फारूक को पड़ रही है सामने से, और एंड वाले हिस्से में भी टीम है, हमारे पीछे भी फुटस्टेप आते हैं, सुनो ऊपर एक बंदा अपने, और हमारे जस्ट पीछे भी एक बंदा था, और राइट में तो एक गाड़ी आई थी जिसमें से दो तीन बंदों को मैंने नॉक किया। अब ये बंदा शायद गाड़ी वालों को मार रहा था और हमको कहीं और से पड़ रही थी, गाड़ी वालों को हम मार रहे थे, गाड़ी वाले किसी और को मार रहे थे भाई, मतलब और सबसे पहले तो इससे हमने जो है अपनी लूट संपूर्ण कर ली पूरी की पूरी। स्कारल है यहाँ पे तो स्कारल उठा लेता हूँ, जो कि सिक्सर के साथ ज़्यादा बेटर रहेगी।
कह रहे, यहाँ पे जो गाड़ी आई थी उसमें से एक नॉक तो मेरे को मिला, बाकी 3 नॉक यहाँ पे इसको मिल गए फारूक को, और इसने बजा दिया यहाँ पे। सीढ़ियों पे बैठ के रिवाइव कर रहे थे आई थिंक ये। अब फिलहाल बारी थी उन दो टीमों की जो पीछे रह गई थी, और उनको मारना भी बाकी था। अब इस बंदे को मारते समय मुझे एक शॉटगन की आवाज़ आई, और मैं समझ गया कि हमारे जो राइट में घर हैं, दो घर जो कि ब्लू कलर वाली रूफ के हैं, शायद उनमें से किसी एक घर के अंदर बंदा है, और यहाँ पे मुझे उसकी गन ग्लिच हो जाती है। अब वो बिल्कुल उसी कोने पे था शायद, पता नहीं क्यों, बट यहाँ से मैंने एक ट्रिक लगाई, यहाँ से मैंने फेंका बिल्कुल मौली जो कि खिड़की से पार होते हुए उसी जगह पे गिरेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, और वो डैमेज हो जाएगा। और वो बंदा वहाँ से हिला नहीं, क्योंकि शायद जहाँ पे वो खड़ा था उस जगह पे मौली ने असर ही नहीं किया बिल्कुल कोने पे, बट फाइनली जैसे उसको मैंने मारा तो वो हिला और मौली से जल के मर भी गया, प्लस मैंने भी उसको मार दिया, तो उसके पास कोई गन वन तो थी नहीं तो फायदा नहीं था। एंड फिलहाल जो है पीछे वाली टीम को अभी मारना पड़ेगा, बट उससे पहले बात कर लेते भैया वीडियो के स्पॉन्सर वनएक्स बेट की। देखो आप बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर प्रेडिक्शन लगा सकते हो इस वाली एप्लीकेशन की मदद से, इसका लिंक आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर आपको साइन अप करना होता है, और फिलहाल यहाँ पे इसी के बीच में मैं हो गया हूँ नॉक। अब देखो जिस बंदे ने मेरे को नॉक किया था उस बंदे को तो फारूक ने कर दिया नॉक, ठीक है यहाँ पे बदला चाहिए अब मेरे को। फिलहाल मैंने फारूक को बजाया था, अब एक बारी तो उसकी भी है। वो लोग अभी वहीं भाग रहे हैं। अब देखो वो थे पूरे 4 लोग, और एक अपने राइट में भी थी टीम, तो हमको बच के रहना था, क्योंकि देखो हम बहुत बार थर्ड पार्टी हो चुके थे, और एक बार वो नॉक एक बार मैं नॉक, तो ऐसा हो चुका है हमारे साथ। एक नॉक कर दिया मैंने नीचे। अब फिलहाल उस टीम का एक और बंदा फारूक ने नॉक कर दिया, तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फारूक काफ़ी आगे था, और इससे पहले कि मैं स्कारल स्विच करता फारूक अंदर घुस जाता है, और यहाँ पे ये वाली टीम हो गई ख़त्म। अब वो वाली टीम की बारी थी भाई जो अपने बिल्कुल राइट में थी, तो उनके शायद एक दो ही बंदे थे, तो उनको मारना अब ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन इतने में आती है एक और गाड़ी। अब देखना यहाँ पे और इसके दोनों ही नॉक मेरे को मिल गए। फिलहाल यहाँ पे फिर से थोड़ा एमओ की कमी थी, स्करल में थोड़े कम एमओ बची हुई थी और बैरल में भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो हमने सोचा कि पहले इन्हीं को ही दोनों को फिनिश करके जाते हैं यहाँ से। अब मुझे नहीं पता ये बैक टू बैक दो गाड़ियाँ क्यों आई, इसके बाद और भी गाड़ियाँ आती बची थी। फिलहाल इन दोनों को पेल दिया, सबसे पहले तो लूट वाट ले लेते हैं, और 5K जो मेरे को चाहिए थी वो शायद थोड़ी सी मिली, बट चलो जो भी है जितना भी है अपना फ़ायदा हो गया थोड़ा। और आपको गेस करना है वीडियो को पॉज करके कि ये लोग जो है पोचिंग की क्यों आ रहे थे, एक रीज़न है जिसके लिए ये पोचिंग की आ रहे थे। देखो दो गाड़ियाँ बैक टू बैक, और फिलहाल मैं बात कर ही रहा था कि भाई इसके बीच में भाई फारूक को एक बंदे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया मतलब, बट यहाँ पे मैंने लुटका दिया उसको, एंड शायद ये अकेला ही बचा हुआ था अपने टीममेट से, मतलब अकेला तो पोचिंग की में बचा हुआ था, इसके टीममेट यहाँ पे नहीं थे इसके साथ, तो ये अकेला था यहाँ पे पोचिंग में, तो इसको भी पेल दिया। एंड इसके पहले कि हम यहाँ पे इसको लूट के निकले यहाँ से, इतने में आ जाती है एक और बगी जो कि स्क्वाड है उस पर आ जाती है, और यहाँ पे फारूक थोड़ा गलती से फायर कर देता है। तेरी वाली बिल्डिंग में एक बंदा गया, रुक जा। और जैसे उन्होंने फायर सुना तो वो शायद भाग गए यहाँ से, बट मैंने ट्राई किया यहाँ से उनको उड़ाने का, इससे पहले कि मैं कुछ भी उनको डैमेज कर पाता भाई, बहुत कम मौका था वहाँ पे मेरे को मारने का। बट आगे क्या होता है, वो गाड़ी घूम के जो है उधर वाले घरों पे चली जाती है। अब देखो हमारा काम क्या था, जस्ट वहाँ पे क्लोज इन करना और उनको मारना, क्योंकि पोचिंग की में और कोई बचा नहीं था, तो उस टीम को मारना काफ़ी इजी था हमारे लिए, बट इतने में फिर से यहाँ पे वो टीममेट को नॉक कर देते हैं। अब फिलहाल इतना मेरे को पता था ये ऊपर वाली उसमें है, तो मैं उसको जानबूझ के ओपन में जा रहा था कि वो खड़ा होकर मेरे को मारे, बट यहाँ पे थोड़ा समय पैनिक हो गया और मैं अपना एम ही नहीं कर पाया, बट मैं समझ गया था ये कूदेगा मेरे ऊपर, और इसीलिए मैं टीपी पी लेके बस वेट कर ही रहा था कि जैसे वो कूदा मैंने उसको बिल्कुल ईजिली फेंक दिया। और फाइनली यहाँ पे जितने किल मेरे उतने मेरे टीममेट के भी होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 12-12 ही किल है दोनों के भाई, मतलब कितने लौंडे आ गए थे कोचिंग में बैक टू बैक। एक तो 4 की गाड़ी आई, फिर 2 की आई, फिर एक बगी आई, फिर ये मतलब मजा गया। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्यों पोचिंग की में आ रहे थे लौंडे, और ये भी आ रहे थे पोचिंग की में, बट उससे पहले कि पोचिंग की में आते थे इनने हमको देख के भगा दिया। और उससे पहले कि यार 6x का एम स्टेबल हो पाता, जैसे स्टेबल हुआ वैसे वो बंदा पिल गया।
खैर यही फ़ायदा भी होता है और थोड़ा सा घाटा भी होता है हाई सेंसिटिविटी का, कि जल्दी से मूविंग टारगेट पे स्टेबल नहीं हो पाता एम। अब फिलहाल ये वाला सीन देखना और ये वाले सीन को देख के तो आप लाइक कर ही दोगे। अब यहाँ पे होता क्या है, हम आते हैं ड्रॉप पे और ड्रॉप पे आने के बाद यहाँ से हमको जल्दी से निकलना होता है, बट एक टीम आ जाती है मतलब गब्बर सांभा की तरह एकदम बिल्कुल पहाड़ी पे खड़े होकर चारों के चारों बरसा देते हैं हम पे गोलियाँ। पहले हमको लगा कि पता किसको मार रहे हो, लेकिन हम ही को मार रहे होते हैं वो, तो वो देख सकते हो आप बिल्कुल लेफ्ट में है वो खड़े हुए। तो हम ये करते हैं ऐसे गाड़ी घुमा के निकल लेते हैं बिल्कुल पीछे से। अब पहले तो मैं बिल्कुल उधर चला जाता हूँ, लेकिन वापस मैंने सोचा मारना पड़ेगा इनको, फिर से मैं वापस लेके आता हूँ और बिल्कुल इनके सर के ऊपर गाड़ी रोक देता हूँ। अब ये सीन देखो और जस्ट इन्जॉय करो वीडियो को। कसम से यार कितना डैमेज दिया सबको, बहुत डैमेज दिया ब्रो। अब यहाँ पे चारों को तुम्हारा भाई उड़ाने वाला है, बस देखो आप और इन्जॉय करो बस ये स्प्रे को। और एक एक करके भाई मतलब ख़तरनाक फेल दिया इन लौंडों को। और ये सब मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम डैमेज दिया गाड़ी में, तो तभी मुझे लगा कि यार एक तो नॉक होने चाहिए भाई, मतलब डैमेज आपने देखा होगा भाई सबका, मतलब ऐसा था कि 80 डैमेज एक बंदे को मिला, 80 दूसरे को, 80 तीसरे को, और भाई तीनों के तीनों बच गए इससे ज़्यादा, मतलब इससे अच्छा 100-100 का दो बंदों को ही मिल जाता अपना काम हो जाता। अब इतने में जहाँ से निकल रहे थे बातें बातें कर रहे थे कि पिछले वेयर हाउस में हमको कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं और वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी थी। अब यहाँ पे से तो उस बंदे ने कोई फुटस्टेप नहीं दिया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे से देखा वो बंदा नेट फेंक रहा था, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, उसने नेट फेंक दिया था। अब मैंने सोचा कि देखो वो है तो वहीं पे, तो एक काम करते हैं छत पे जाके नेट कुक करते हैं और एकदम भाई भाग के फेंकेंगे एकदम बॉलर की तरह, पीछे से भागते भागते आएंगे और ऐसा मतलब एकदम हाथ घुमा के फेंक देंगे। लेकिन तब तक शॉट बच चुका था उसको डोलम का, तो हमने बस फालतू में डैमेज चुराना ही सही समझा। और आखिरी बंदा बचा था इसका वेयर हाउस के अंदर, और वो भी मारे गए इसलिए। अब बचे यहाँ पे कुल 12 बंदे और बस अब देखना सही सीन तो अब से स्टार्ट होने वाला है। हमको यहाँ पे गाड़ी शो होती है जिसको हम पीछे करते करते यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे नेट मारने का एक फ़ायदा भी होता है और एक घाटा भी होता है, तो पहले फ़ायदा देखो फिर घाटा देखो। मैंने पीछे से कुक कर लिया था गैस करके कि वो आखिरी वाले में होंगे, और बिल्कुल सही गैस किया तुम्हारे भाई ने, लेकिन दूसरा नेट फेंका तो भैया घाटा हो गया। हम आपको एक सॉल्यूशन बताऊँगा, मैंने अपने टीममेट को बोला भाई नेट फेंक रहा हूँ, वो ज़बरदस्ती घुस के मार गया उसको। अब अगर आपके टीममेट भी आपके साथ ऐसा करते तो इसके लिए मैंने एक रामबाण उपाय ढूंढा है आपके लिए। आप एग्जैक्ट अपने टीममेट को बोलो मैं कुक करके नेट फेंक रहा हूँ, ठीक है, और जैसे वो ज़बरदस्ती घुसता है तो आप एक नेट के साथ दूसरा नेट भी फेंक दो, ताकि साला अगर वो नॉक होना तो साला तुरंत फिर फिनिश हो जाए, और ऐसे में आपको भी सुकून मिलेगा। कुल मिला के एक बंदा तो मैंने इनका नॉक करके छोड़ा भाई तीन स्प्रे के अंदर, बट कर दिया। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, थोड़ा थोड़ा स्प्रे जो है सबको बचा, और इधर से एक बंदा हमको लेट के मार रहा है शायद, तो आई थिंक हमको चला जाना चाहिए अंदर। और यहाँ से मैं उसको सपोर्ट कर ही रहा था कि मैंने सोचा पहले वो जो राइट में रुके हैं उनको थोड़ा पेलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एमओ खत्म होती जा रही थी और मेरे को स्मोक में बंदे को फिनिश भी करना था। यहाँ पे मैंने दो बार उनके एक एक बंदों को नॉक कर चुका था, ऑब्वियसली इतने रिवाइव हो चुके होंगे अभी तक। तो अब वो टीम थी शायद वहाँ पे एक नाली सी थी, आई थिंक वो जो नाली सी होती है उसके अंदर थे वो सब, इजीली सेफ थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे रश कर देते हम, बट इतने में टीममेट एक नॉक कर देता तो अब हमको जाना ही पड़ेगा। और बहुत ही ईजी मौका है, हमारे एक दो एक हम मार के फिनिश कर चुके हैं और एक नॉक है। आप देखो बचे दो बंदे, दो में से एक करेगा रिवाइव, फिर बचा सिर्फ एक ही बंदा, और उनका एक बंदा तो ऑफलाइन हो जाता है इसी समय पे जिसको रिवाइव करना था, वो बंदा हो जाता है ऑफलाइन। अब देखो आप भाई, ये देखो ऑफलाइन बंदा,
और मैं अगर इसकी सिचुएशन गेस करूँ इसके साथ क्या हुआ होगा, तो मैं गारंटी श्योर हूँ कि इस बंदे का गेम क्रैश हुआ। देखो अपडेट के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है गेम क्रैश की। तो आप में से जिस चीज़ को भी आ रही है बताना, मतलब इवन मेरे को भी अगर एक गेम खेलता तो उसमें एक ना एक बार तो गेम क्रैश होना बनता है, मतलब गेम फ्रीज हो जाता है फिर उसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो वही इसके साथ हुआ होगा। और खैर आखिरी वाला बंदा भी इनका पेल दिया गया। अब बचे थे कुल चार बंदे, देखो जिसमें से दो हम थे और बाकी बच्चे और दो। अब फिलहाल यहाँ से निकल के ढूंढते हैं, और जहाँ तक हमको पता है हम गैस भी कर सकते हैं वो कहाँ पे हैं। उससे पहले कि हम गैस कर रहे हैं, वो बंदा खुद ही क्लू दे देता है हम पे फायर करके। अब एक बंदा उसका डब्बे पे था और एक बंदा उसका घर में था, तो घर वाले को हमने सबसे पहले बजाना सही समझा। फिर से यहाँ पे वही सीन, नेट का फ़ायदा और नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि आप जल्दी से थ्रो करके फेंक सकते हो, जब आपका टीममेट ऊपर जाएगा तब तक तो आप उसको नेट से मार दोगे। और घाटा ये है कि अगर नेट सही नहीं गिरा तो तुम्हारा टीममेट तुम्हारे नेट से डैमेज हुए एनिमी को मार देगा। और सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कोई टीममेट ऐसा करे तो आपको क्या करना है, दो नेट बैक टू बैक फेंक दो साला, अगर एक में नॉक होगा तो दूसरे में, और फिर आप बोलना और जाओ बेटे ऊपर और जाओ, बस तुम जाओ अब हमारा खेल चुराओगे। फिलहाल आखिरी बंदा मेरे को यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। अब टीममेट को मैंने गलत पता बता दिया और वहाँ पे वो ड्रॉप के पीछे देखता रहा, बट मैंने उसको बजा दिया। तो जब भी आपको कोई बंदा स्पोर्ट होना तो आपका टीममेट पीछे कहाँ है बंदा, तो आप उसको जानबूझ के कोई भी ऐसे रैंडम लोकेशन बता देना, 50 के ऊपर है साउथ में ऐसा कुछ भी, और वो उधर देखेगा तब तक तो आप उस बंदे को मार दोगे। बट यहाँ पे MVP का सीन समझ नहीं आया मेरे को, MVP मुझे बनना चाहिए था, मोर डैमेज मोर किल्स, बट उसको मिल गया यार कैसे। खैर अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप मेरे को कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये जो आपकी स्क्रीन पे आईडी दिख रही है तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम ही आईडी है। इसके अलावा आप VenixBet को भी ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, जाके करना वहाँ पे साइन अप बना के अकाउंट कर लेना, मतलब साइन अप करके अकाउंट बना लेना, और वहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पे प्रेडिक्शन लगा सकते हो, बस ट्राई करना आपको पता लग जाएगा। खैर मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।